आज मैं दोस्तों एक मेहमान से मिलाऊंगी आप लोगों को। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो ये देखिए ये मेहमान, ये मेरी छोटी सिस्टर है जो सब्जी तोड़ रही है, बहुत ही खुश हो रही है गार्डन देख देख के। ऊपर आए हैं गार्डन में, तो मैंने सोचा चलो आज क्यों ना इन्हीं से हार्वेस्टिंग करवाई जाए सब्जियों की। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आने वाली जो मेरी नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अभी बीवर के सवाल का जवाब देते हैं। तो बीवर ने मुझे पूछा था कि क्या आप किचन की सारी रिक्वायरमेंट टेरेस गार्डन से पूरी कर लेती हैं। तो उसका जवाब है जी नहीं, सारी रिक्वायरमेंट तो नहीं पूरी होती, लेकिन हाँ कुछ कुछ ज़रूर पूरी कर लेती हूँ। जैसे आप ये देख ही रहे हैं गार्डन में मैंने कितनी सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं। तो ये पत्ते वाली जितनी भी सब्जियाँ हैं वो मैंने जैसे सर्दियाँ शुरू हुई तो ये मैंने लगा दी थी, और इस सीज़न में मैंने एक भी पत्ते वाली सब्ज़ी जो है वो बाज़ार से नहीं खरीदी। पालक हो या फिर मेथी, सरसों, कोई भी मतलब के पत्ते वाली जो सब्ज़ी है मैंने नहीं खरीदी है। जैसे ये चने का साग है, ये मैंने जैसे सर्दियाँ शुरू हुई थी तो मैंने बो दिए थे। तो जो पहले मैंने बोए थे उसकी मैंने दो बार हार्वेस्टिंग करके फिर वो जड़ समेत निकाल दिए थे, और उसी कंटेनर में मैंने ये दूसरी बार बोए हैं, और इसकी भी आज मैं हार्वेस्टिंग करूँगी आप लोगों के सामने। और एक बार और हार्वेस्टिंग करके तो मैं फिर इसे भी निकाल दूँगी और दोबारा ऐसा ही रिपीट करूँगी, फिर मैं बो दूँगी और बस ऐसे ही चलता रहेगा। और ये चने का साग जो है ये बाज़ार से हमारे यहाँ इधर नहीं मिलता, तो मैं घर में ही इसको बीज लेती हूँ और ये बस ये थोड़े दिनों में ही तैयार हो जाता है। और ये देखिए आप लोगों के सामने कितनी सारी मैंने हार्वेस्टिंग इसके भी कर ली है। और जैसे सरसों है, सरसों भी मैं दो तीन बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। सरसों का मैं क्या करती हूँ कि जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो मैं निकालती जाती हूँ, और छोटी पत्तियाँ जो हैं जब फिर वो तैयार होती हैं अगली बार, बस वो नए पत्ते निकलते जाते हैं और मैं पुराने वाले जैसे बड़े बड़े वो हार्वेस्ट करती जाती हूँ। और ये जैसे तोरी है, ये तो मैं गर्मियों से ही गर्मियों में भी नहीं मैंने बाज़ार से खरीदी, और अभी तक मैं ये घर की ही खा रही हूँ। ये भी तीसरे चौथे दिन सब्जी जो है वो निकल आती है। दोस्तों अपने गार्डन से सारी ज़रूरतें पूरी तो नहीं होती हैं, लेकिन कम भी नहीं होती हैं। इसमें काफ़ी सारी जो सब्जियां हैं वो मैं निकाल लेती हूँ।
और ये देखिए इधर सारी जितने भी ये पत्ते वाले जो सब्जियां मैंने सारी की सारी लगाई हुई हैं, कड़म हो गया या फिर ये पालक है, मेथी है, सरसों है। पालक भी मैंने 2-3 किस्म की लगाई हुई है। और ये करेले देखिए, करेले भी मैंने पूरी गर्मियों में आप लोगों के सामने हर वीडियो मैंने शेयर की हुई है। गर्मियों में भी करेले की हार्वेस्टिंग खूब मैंने की है, खूब करेले खाए हैं। और ये देखिए ये सर्दियों वाले जो मैंने लगाए हैं, ये भी ये जो गर्मियों में मैंने लगाए थे उन्हीं में से एक करेले में से मैंने बीज निकाल के तो ये ग्रो किया था। और ये देखिए इसकी भी मैं 4-5 बार हार्वेस्ट सब्जी कर चुकी हूँ यहाँ से। अभी भी आगे भी ये देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है, साथ साथ में फ्लावरिंग हो रही है और साथ साथ में मैं हार्वेस्टिंग करती जाती हूँ। इसकी पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी पीली पड़ रही हैं, ये हार्वेस्टिंग करके मैं फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डाल दूँगी ताकि जो अगली जो हार्वेस्टिंग है वो जल्दी तैयार हो जाए। तो ऐसे ही ये मैं करती रहती हूँ। जब भी मैं कोई हार्वेस्टिंग करती हूँ तो उसके बाद खाद जरूर देती हूँ, चाहे लिक्विड मैन्यूल में या फिर कोई भी जो भी हो आपके पास खाद वो आप दे सकते हैं। देखिए कितने सारे मैंने एक बेल में से कितने करेले मैंने तोड़ लिए है। ये ग्रो बैग में मैंने लगाई हुई है, 2 ग्रो बैग में है बेले लगाई हुई। देखिए कितने सारे मैंने करेले जो है तोड़ लिए। एक साइड से मेरी सिस्टर ने तोड़े हैं, दूसरी साइड से मैं तोड़ रही हूँ। और ये देखिए तोरियाँ भी कितनी सारी इसमें से निकल रही हैं। ये अभी छोटे छोटे हैं, छोटे जो हैं वो तो ये देखिए कैसे चिपका हुआ है। मिर्ची का पौधा है और उसी में दिख भी नहीं रहा है सामने। दोस्तों हार्वेस्टिंग दिखाने का मेरा बस एक ही मकसद है कि हर घर में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाएं। तो मैं इसीलिए बार बार ये वीडियो जो है हार्वेस्टिंग का दिखाती हूँ कि क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखा है तो ऐसे ही कुछ जो मुझे पता है वो शायद और किसी को नहीं पता और जो आप लोगों को पता है वो शायद मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही एक दूसरे से ही हम लोग सीखते हैं तो इसीलिए मैं ये सब दिखाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आप इतने सारे गमले लगाओ, आप 2-4 गमले से शुरुआत करें। ये धीरे धीरे खुद ब खुद ही जो हिम्मत जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे मेरी आप लोग कमेंट करके लाइक करके हिम्मत बढ़ाते हैं, इसीलिए तो सबकी ऐसे ही हिम्मत बढ़ती जाती है। एक कमेंट से एक लाइक से पता चलता है कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हो। तो उससे क्या होता है कि एक किस्म की एनर्जी मिलती है आगे और बेहतर करने के लिए। तो ऐसे ही आप लोग मेरा साथ देते रहें जैसे पहले दिए। मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ, आप लोगों ने मेरा बहुत ही साथ दिया है। जितनी भी यूट्यूब फैमिली है और मेरा जो परिवार है सब ने बहुत ही मेरा साथ दिया, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।